हेलो फ्रेंड्स, मेहता टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है कूलर के बारे में। तो आज हम प्लास्टिक वाले कूलर में वायरिंग करना सीखेंगे। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो ज़्यादा देर न करके ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये प्लास्टिक वाले कूलर के ये तीन रोटरी हैं, यानी कि ये वाली हमारी जो है मोटर की है, जिसमें हमारी ये चार पिन है, और ये वाली हमारी जो है टिल्लू के लिए दिया है, और ये वाली हमारी स्विमिंग के लिए है। तो देखिए हमको कनेक्शन किस प्रकार से करना है आपको ये बता दें। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, ये जो काला वाला वायर है ये हमारी मोटर का है, यानी कि ये सिंगल स्पीड के मोटर के लिए कनेक्शन हम करना बता रहे हैं आपको। और ये जो है वाइट वायर है ये हमारा मेन वायर है, ये मेन वायर है, ये मोटर वाला वायर है, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा टिल्लू का है। तो देखिए अभी हमको कनेक्शन कैसे करना है। ये जो हमारा मेन वायर है, मेन वायर में ये तीनों के एक एक वायर को हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए जैसे ये हमारा टिल्लू वाला है तो एक वायर में हमने ये टिल्लू वाले वायर को ज्वाइंट कर दिया है, और इसी में हम दूसरा ये मोटर का जो है वायर इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, यानी कि एक ही वायर में जो मेन वायर है इसी में हम सारे वायर ज्वाइंट कर देंगे एक एक। ये देखिए हमारा ये मोटर का हो गया है, और ये हमारा एक टिल्लू का हो गया है, और ये हमारा जो है स्विमिंग वाला भी हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ये हो गया है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा वायर है जो मेन वायर है इसको हम यहाँ से हम कॉमन पे ज्वाइंट करेंगे। हमारा कॉमन वाला जो वायर है वो ये है, और यहीं से ही हमारा तीनों रोटरी के ऊपर कॉमन दे दिया गया है। ये देखिए एक यहाँ से, और यहीं से वायर हमारा इस साइड गया है ये रोटरी पे, और यहीं से हमारा ये अगली रोटरी पे भी गया है। तो ये हम मेन पे, ये देखिए ये कॉमन वाली पिन पे कनेक्शन दे दिया है, और यहाँ से हमारे तीनों रोटरी पे कॉमन वायर का कनेक्शन पहुँच गया है। ये आप देख सकते हैं जम्पर लगा हुआ है। तो ये हो गया है। अभी क्या है, ये हमारा टिल्लू वाला है, तो टिल्लू वाले पे क्या करना है, यहाँ से हमारा मेन ये आया है, यानी कि कॉमन वाला वायर ये है, और दूसरा वायर हमारा टिल्लू का इस जगह पे कनेक्शन करेंगे। ये हमारा टिल्लू का कनेक्शन हो गया है, और ये जो बचा हुआ है ये मोटर का तो एक तार यहाँ पे हमारा डायरेक्ट हो गया है सारे, और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे, ये आप देख सकते हैं कि इसमें तीन पिन के कनेक्शन दिए हैं, यानी कि थ्री स्पीड मोटर के कनेक्शन के लिए ये रोटरी लगाई गई है। तो एक तो ये हमारा कॉमन है, और एक नंबर ये है यानी कि स्लो, और ये मीडियम, और ये वाला जो हमारा है वो फास्ट है। तो अभी हमको क्या करना है, ये हम सिंगल स्पीड के मोटर के लिए हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट को एक कर दिया गया है। ये आप वायर देख सकते हैं, ये कनेक्शन और ये और ये तीनों को एक कर दिया गया है, क्योंकि हमको ये सिंगल स्पीड का कनेक्शन चाहिए। अगर ये मान लीजिए हम थ्री स्पीड के करते तो हमारे पास इसमें सिंगल के जगह पे चार वायर होते जो एक की कॉमन में लगते हैं, और तीन वायर हमारा एक दो तीन इस जगह पे होते हैं। तो अभी ये सिंगल स्पीड का है, तो अभी हम यहाँ पे तीनों में जम्पर लगा हुआ है, तो हम किसी भी वायर पे हम इसको लगा देंगे, क्योंकि ये सिंगल स्पीड है। तो देखिए ये हमने ये लगा दिया है, ठीक। और इसी प्रकार से हमने एक ये स्विमिंग वाला जो वायर बचा हुआ है इसको हम इस साइड लगा देंगे। इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ से हमारा कॉमन वाला मेन वायर यहाँ पहुँच चुका है, और इधर साइड जो है ये स्विमिंग, ये देखिए ये पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर तरफ से वायर को हम कनेक्शन करेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम चालू करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो है कनेक्शन बिल्कुल सही है, और ये फैन चल रहा है।
चिल्लू भी हमारा पूरी तरह से काम कर रहा है और ये मोटर भी काम कर रही है, तो हमको जब भी कनेक्शन करना है बहुत ही आसान है। ये जो मैंने आपको सिंगल स्पीड के कनेक्शन बताए हैं, तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।